उम्मीद है हम सब ठीक हो गए। तो जी मैं बना रही हूँ खाना। सालन मैंने रखा हुआ है, शलजम गोश्त और आटा गूंद रही हूँ। और हमारे आए हैं मेहमान, तो मेहमानों को चाय हमने पिला दी, अभी खाना खिलाया गया। और मेहमान गए ज़रा बाहर, तो बच्चे खेल रहे हैं ऊपर और भाभी मेरी आती नहीं वीडियो में। आसिफ की फैमिली आई है, तो अभी आसिफ गया है बाहर ज़रा। आज सालन बन रहा है मेरी पसंद का, वो बड़ी खुशबू आ रही है। तो शलजम जो लेके आए थे आपने देखे थे, तो वो सारे पके शलजम। हाँ हाँ जी, इसलिए चलो किलो तो निकल ही गए। हाँ, अशरफ बिल्कुल भी अच्छी सब्जी नहीं लेते, अच्छा फ्रूट नहीं लेते। अशरफ को खरीदना ही आता। फ्रूट तो अच्छा लेते हैं। अब जिस दिन आएगा फ्रूट में आप दिखाओगे कि कितना अच्छा है। और सुबह सुबह आए थे मुझे, हाँ सेब तो अच्छे थे। तो सुबह सुबह मुझे आए थे बेर, मेरी दोस्त के हस्बैंड जहाँ पे जॉब करते हैं, तो वहाँ पे वो उनकी बेरियाँ बेरियाँ हैं, तो वो तो आते हैं, तो वो सुबह सुबह देखे गए थे बेर। तो बेर अभी खा रहे बच्चे, तो बड़े मज़े के थे, मीठे थे। तो थैंक यू जी बेर देने वालों, शुक्रिया बहुत बहुत। और वैसे तो इतने महंगे, हाँ देखते हैं वो भी वीडियो। तो वो जी वैसे तो इतने महंगे बेर हैं, तो बच्चों से मिलवा के ना। हाँ जाओ जी बच्चों से मिले जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? और मैं अभी ब्लॉग चल रही थी, तो थोड़ी ब्लॉग नहीं और चाय मेरी पड़ी थी, इसलिए कुछ बच्चे लोग आए हुए हैं। मैंने सोचा चलो बच्चों से भी मिलवाता हूँ आपको। आसिफ भाई के बच्चे हैं। और सुनाए आप ठीक है यार? हमारी ब्लॉग देखा करो यार, क्या जाएगा तुम्हारा यार, देखा करो, ज़रूर देखा करो, लाइक भी करो। और सबसे ज़रूरी यार हमारी सब्सक्राइबर नहीं बढ़े। और ये देखो ऊपर का नज़ारा, और ये देखें पीछे बच्चा लोग खड़े हुए हैं, और शेवर बनाने वाले ही बनाएंगे। आज मैंने ऊपर आके नीला को बांध के दी रस्सियाँ, ये देखें रस्सियाँ बांधी, ये बच्चे लोग से मिले। चलो हाय हाय करो, और कैसे हो, ठीक हो? और ये देखें मेरे पीछे छुप गई रेनो आगे। और एक रस्सी ये बांधी, एक रस्सी ये बांधी, बहुत मज़ा आ रहा है। खुली हवा चल रही है और कबूतरबाजी बहुत हो रही है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें जी बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है। हाँ जी मैं ज़रा बैक करके दिखाता हूँ जी। वाह वाह, मुझे ये कबूतर बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी हाँ भाई, मज़ा आया यहाँ ऊपर खेलने का? हाँ आज बहुत दिनों के बाद जब से हमने घर चेंज किया आए आज। तो और ठीक हो? और ठीक है? हाँ जी। तो जी ये कबूतर बहुत रखे हैं, ये सामने भाई है कबूतर उड़ा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम ऊपर। हाँ जी ये सारे इसे उड़ाए हैं। हाँ जी हमारे सामने बिल्कुल घर का काम हो रहा है। ये हमारे तीन चार गलियां हैं। हाँ जी वो आज की ब्लॉग जरूर मिस नहीं करना। आसिफ भाई भी आएंगे, फिर उनसे ही मिलवाएंगे। और हमारी यार लाइक कर दो, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े ताकि
हम जो है अपना हमारा दिल खुश हो जाता है इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बढ़े और बढ़ तो रहे, खुदा का शुक्र है। दो तीन रोज़ मिलते हैं। हाँ जी, ये देखें परिंदे उड़ते हुए, कबूतर, बहुत मज़ा कर रहे हैं। हाँ जी, वो सामने डूबता हुआ सूरज बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, अच्छा क्या हुआ, किस किस पे बिठ गई कबूतर ने? मेरे पे है? मेरे पे और एनी पे। आप पे और रहनू पे? एनी पे। एनी पे कबूतर ने बिठ कर पोटी कर दी ऊपर से। तो इसी तरह हम बच्चों के साथ मिलके वीडियो बनाते रहेंगे हैं, और बाकी आसिफ भाई बाहर गए हैं, आते हैं तो फिर मिलेंगे। ये मैं अभी बना रही हूँ मैक्रोनी, ये मैं काट रही हूँ सब्जियाँ, तो रैनू बोल रही थी मैंने खानी है मैक्रोनी, तो मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। तो अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने भतीजे का, कि मेरा भतीजा आया हुआ है कोयटा से, तो उसने आना है मेरे पास, तो अभी पता नहीं कब आएगा, मैं रोज़ इंतज़ार करती हूँ उसका। तो अभी वो बात कर रहा था, कह रहा कल था इतने भतीजे आए थे दिल्ली पर। लेकिन हर किसी की अपनी अहमियत होती है, वो भी मेरे भतीजे थे, मेरी भतीजी है, लेकिन हर किसी की अपनी अहमियत होती है। और मैं मतलब ये तो छोटा सा था जब मतलब पैदा हुआ था, तो मैंने तब से इसको और अनिल को और शहर को संभाला, 6-6 साल तक इनको संभालती, इनकी पोटियां धुली है मैंने। तो मेरा इसलिए मैं इनको ज्यादा मतलब प्यार करती हूँ। शहर अनिल से मेरा ज्यादा प्यार है, तो बाकी से भी है, बाकी भी मुझे सारे अपने भतीजे भतीजियाँ बहुत प्यारे हैं, बहुत मैं प्यार करती हूँ उनसे। तो वहाँ आप तो मुझसे लड़ता ही रहता है। अब मुझे कल कह रहा था मेरी बर्थडे है उसकी, 15 अगस्त 15 को बर्थडे है उसकी, तो मुझे कह रहा था मेरे लिए ना गिफ्ट लेके आना है, गन लेके आना जो पुलिस के पास होती है। मैंने बोला मैं तुझे ना ये तेरे लिए ये वाली गन लेके आऊँगी, अपना जूता मैं उसको दिखा रही थी, मैंने बोला तेरे लिए ये गन लेके आऊँगी। तो बोला पहली गोली बड़ी पप्पू तुझे ही मारूंगा, मैंने बोला फिर मेरे से जूते खाएगा तू, पहली गोली मुझे मारेगा। तो वो मांगता भी कुछ बोलता भी मुझे, तो वो बड़े रोब से बड़े हक से करता है, कि उसको पता है कि मेरी फुफो है, तो मैंने उससे मांगना है, उसको बोलना है। तो वो और नाराज भी मुझसे बड़ी जल्दी होता है वहां। और एनी, एनी भी ऐसी ही है, कल एनी का हाथ मुझसे दरवाजे में आ गया, मुझे इतना दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, ये अपने दरवाजे में। मैं उसकी मम्मा को दिखा रही थी दरवाजा लॉक करके, फिर ऐसे मतलब 3 दफा लॉक होगा, तो वो लोग बाहर से धक्का दे रहे थे, वहाब, एनी और वकास और रैनू, तो मुझे लगा कि वो जोर से दे रहे, और उसका हाथ ये उंगली उसकी आ गई बीच में, मुझे इतना अफसोस हुआ, मैंने बोला अल्लाह, वो इतना रोई बच्ची, बहुत रोई बेचारी, तो मुझे इतना अफसोस हुआ। तो मैं अपने आप को कोस रही थी, मैंने बोला किसी कैसी मैं बेवकूफ हूँ, मैंने ऐसे ही रैनू का हाथ भी दे दिया था दरवाजे में। रैनू मुझे रात को बोल रही थी, बोलती है मम्मा आप तो हमारे पीछे पड़ी हो, है पहले मेरा हाथ दे दिया, उसकी भी ये वाली उंगली दी, उसका दोबारा भी नाखून आया है रैनू का, और कल मैंने एनी का दे दिया, बोलती मम्मा आप देखती हो नहीं, बस चलो भाई अपनी मर्जी करने लग जाती हो। तो मुझे इतना दुख हुआ, वो बेचारी इतना रोई उसके। अच्छा। तो वो तो ऐसी पता नहीं कैसी आए दिन उसको चोटें ही लगती रहती है। तो आज पड़ोसी है नहीं, बच्चा पार्टी गए हुए हैं, मजा नहीं आ रहा। रैनू और मैथो गए हुए अपने दादी लोग के घर पे, तो रैनू रात को बोर हो रही थी, रैनू बोलती रात को मैंने मम्मा उनको कॉल करनी है कि आ जाओ भाई, मेरा तो दिल नहीं लग रहा, मैं बोर हो रही हूँ अकेली। तो अब चले जी अभी जाते हैं, तो मैं क्योंकि मैं अपने भतीजे के लिए घर में तो खाना नहीं बनाऊंगी, जब वो आएगा उसको बाहर से खिलाऊंगी, क्योंकि वो उधर भी घर में कम खाता है, वो बाहर का ज्यादा पसंद करता है, बाहर का ज्यादा खाना खाता है वो, और उसको तो उसको बाहर का ज्यादा पसंद है। तो मैं उसको, मेरी भाभी बोल रही थी, बोलती है वो घर का नहीं खाएगा, मैंने बोला मुझे पता है, तो उनको मेरे घर वालों को यकीन ही नहीं है कि भाई मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। अभी जब मेरे पंजाब में मेरे ससुराल वाले आए थे, तो मैंने उनको सबके लिए खाना बनाया था, तो इतना मजे का खाना बना, उन्होंने जाके मेरी दूसरी देवरानी के घर पे भी मेरे खाने की तारीफें की, तो वो भी बाद में आई तो बोलती खाना तो तुम्हारा बहुत मजे का था, वो लोग इतनी तारीफें कर रहे थे।
तो जी मकरोनी हो रहे हैं तैयार, और आज टिकटॉक के चक्कर में मकरोनी भूल रहे थे। क्यों सुनीला? कभी कभी बनाते हैं, खुशी से अच्छे मूड में होते रहे। सुनीला बोलती हाँ, चलो अशरफ हमेशा यही बोलता है कि अच्छा मूड अच्छा मूड, और मेरा मूड तब खराब होता है जब अशरफ मेरी बात नहीं मानता। और ये देखे जी मैं बनाने लगी हूँ आज चने की और माश की दाल। मुझे ये दाल बहुत पसंद है, तो मैं अपने लिए भी डालने लगी हूँ। तो चले भी डाल ली है, मैं खाने लगी हूँ। तो उम्मीद है कि जी हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियो करना लाइक शेयर, चैनल को करना सब्सक्राइब। ओके बाय जी, खुदा हाफिज़।